ये रेडियो इंटरनेशनल यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है श्रोता दोस्तों अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम बाल महिला स्पेशल और टी टाइम प्रस्तुत किए जाएंगे अंत में होगा पश्चिम की तीर्थ यात्रा लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार शी जिनपिंग ने चीनी और श्रीलंकाई राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन पर दी बधाई शीतकालीन ओलंपिक में महामारी रोधी कार्यो की सराहना की आईओसी ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करे संयुक्त राष्ट्र में चीनी प्रतिनिधि ने कहा अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 17 फरवरी को चीनी और श्रीलंकाई राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन को बधाई संदेश भेजा यह सम्मेलन चीन और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना की पैंसठवीं वर्षगांठ और चावल रबड़ समझौते पर हस्ताक्षर की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया शी जिनफिंग ने कहा कि सत्तर साल पहले चीन और श्रीलंका ने कई बाधाओं को तोड़कर ऐतिहासिक महत्व वाले रबड़ चावल समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के द्वार खुले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीलंका में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान बनाए रखा और व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा दिया है जिसने द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित किया है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की पैंसठवीं वर्षगांठ को एक नए शुरुआती बिंदु के तौर पर मानते हुए द्विपक्षीय पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती है द्विपक्षीय रिश्तों के राजनीतिक मार्गदर्शन को मजबूत करना चाहती है ताकि चीन श्रीलंका संबंधों के स्थिर विकास क्षेत्रीय शांति स्थिरता विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने में ज्यादा योगदान दिया जा सके उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वन पिन ने 17 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका को विचार कर प्रणालीगत नस्लीय भेदभाव की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए एशियाई समूहों सहित जातीय अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए उन्हें हिंसा और भय से दूर रखना और उचित समान अधिकारों का लाभ पहुंचाना चाहिए उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक 2020 में अमेरिका में एशियाई लोगों के खिलाफ घृणित अपराधों की संख्या में छिहत्तर प्रतिशत का इजाफा हुआ पिछले साल चार युवा एशियाई अमेरिकियों में से एक को नस्लवाद और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और कई एशियाई देशों व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक चिंता पैदा कर चुके हैं उधर 2021 में तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के कृषि और ग्रामीण कार्य में स्थिरता और सुधार की अच्छी प्रवृत्ति दिखाई दी पूरे प्रदेश के ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय सोलह हजार नौ सौ पैंतीस तक पहुंची, जो पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा रही और विकास दर राष्ट्रीय औसत से 5.5 प्रतिशत ज्यादा थी पूरे प्रदेश में हाईलैंड जौ सब्जियां मांस और दूध की पैदावार ने रिकॉर्ड कायम किया बता दें कि 2021 में पूरे तिब्बत में कृषि और पशुधन उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग का कुल उत्पादन मूल्य 6 अरब 35 करोड़ 70 लाख युआन तक पहुंचा, जो पिछले साल से 11.5 प्रतिशत ज्यादा है अनाज बुआई क्षेत्र उत्पादन और प्रति यूनिट क्षेत्र उपज समेत तीनों क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही तिब्बत में दस प्रमुख पठार विशेषता वाले कृषि और पशुपालन केंद्रों का निर्माण सुचारू ढंग से बढ़ रहा है राष्ट्रीय और स्वायत्त प्रदेश के स्तर पर क्रमशः चार और चौदह नए कृषि औद्योगिकरण के क्रम अग्रणी उद्यम जोड़े गए हैं। उधर महामारी की रोकथाम और नियंत्रण पेजिंग शीतकालीन ओलंपिक की सफलता की कुंजी है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने पेजिंग शीतकालीन ओलंपिक में महामारी की रोकथाम और नियंत्रण कार्यों की प्रशंसा की है उसका मानना है कि पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक में महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय बहुत प्रभावी हैं आईओसी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा कि वे दुनिया में सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या आयोजनों में से एक की बहुत सफल मेजबानी कर रहे हैं अमेरिका की रोकथाम और नियंत्रण शीतकालीन ओलंपिक की गारंटी कार्यो में से एक चुनौती है वे अपने चीनी मित्रों और सहयोगियों को सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है वहीं 2022 हजार बाईस पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक में इस लक्ष्य को हासिल किया गया है कि ओलंपिक इतिहास में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण करने और महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं को प्रसारित करने के लिए एट के वीडियो तकनीक का पहली बार इस्तेमाल हुआ है 16 फरवरी को पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक के मुख्य मीडिया केंद्र ने प्रसारण और डिजिटल मीडिया डेटा के विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया इस सम्मेलन में पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक की आयोजन समिति के प्रवक्ता चाओ वे ने यह बात कही बताया जाता है कि एट के तकनीक को 5G तकनीक के साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है प्रसारण के अलावा यह खेल प्रतियोगिता और कंसर्ट आदि बड़े पैमाने के आयोजनों में बड़े स्क्रीन डिस्प्ले के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुख्य मीडिया केंद्र की पहली मंजिल के लॉबी में एक विशाल एट के स्क्रीन लगी हुई है चीनी और विदेशी संवाददाताओं ने इस स्क्रीन पर उद्घाटन समारोह के अद्भुत क्षणों को देखा है उधर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार शीतकालीन ओलंपिक के आवश्यक स्की जंप बनाने के लिए चीन ने ढलानों को स्टील के खोल और कृत्रिम बर्फ की एक परत से ढक दिया शीतकालीन ओलंपिक के मैच क्षेत्रों को पेचिंग से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड रेल लाइन बनाने के लिए इंजीनियरों ने पहाड़ों में सुरंग भी खोदी इसके साथ ही कोविड उन्नीस महामारी के नियंत्रण के लिए स्टाफ हर दिन शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले लोगों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करता है रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय में पेचिंग शहर ने लगातार रेल मार्ग राजमार्ग और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में बड़ी पूंजी लगाई और लोगों को 10 लाख से अधिक रोजगार के मौके भी प्रदान किए इसके साथ ही यातायात की लागत को भी कम किया गया है इसके अलावा चीन को आशा है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन से चीनी लोगों में बर्फ के खेलों के प्रति शौक पैदा होगा क्योंकि बर्फ के खेल खेलने में शायद उपभोग बढ़ जाएगा खासतौर पर चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चीन को यह पता है कि शीतकालीन ओलंपिक पेजिंग को एक वैश्विक बर्फ खेलों का गंतव्य स्थल बना सकता है उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 16 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बीच सहयोग के मुद्दे पर एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि चांगचुन ने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और सामूहिक राजनीति का विरोध करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुनिया अशांति और बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है कुछ देश एक पक्षवाद और आधिपत्यवाद की नीतियों का पालन करते हैं बल्कि राजनीति में लगे रहते हैं अनुचित तरीकों से अन्य देशों की सुरक्षा और विकास हितों को नुकसान पहुंचाते हैं एक नए शीत युद्ध और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भड़काते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वो वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं इस जटिल और गंभीर स्थिति का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और सामूहिक राजनीति का विरोध करने की जरूरत है एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ टकराव व दबाव का विरोध करने समानता व आपसी विश्वास की आवश्यकता है उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने 16 फरवरी को क्रेमलिन में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो के साथ बातचीत की दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर संयुक्त राष्ट्र पर केंद्रित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं